उन्होंने आवाज दी नौजवानों तुसी अपना विरसा बसानो उन्हां दी आवाज सुन के वहीरां धत के नौजवानों दे अगे पिछे खड़ के उन्होंने आवाज दी। मोदी कहना तुहानू न्याय दूंगा 15 साल हो गए 10 साल हो गए राज नूं स्वामीनाथन दी जिहड़ी रिपोर्ट आ वो तुहानू लागू करूंगा फसलां नूं 15-15 लाख तुहाडे खातिआं 'च पावांगे पर उहदे ते इन्ने सिक्के नहीं लाउंदे झूठ मार के सरकार बना ली गुमराह करके देश वासियों नूं मोदी दे एनएसए लाओ 15-15 लाख रुपया उहने कहा सी ते करोड़ां नूं कहिंदे नौकरी देवांगे रुजगार देवांगे नूं दे विच दो पुलिस वाले साड़ते उन्होंने एनएसए नहीं लाई मणिपुर विच साडियां बीबियां भैणां नूं नंगिया घुमाया वह नहीं चाहे इन्हों अज तक ये सिख आवाज उठाते सिख सच बोलते हम 5 सालों ने असं राज देता भगवंत मान वो भावें दिल्ली ना रल जाए भावें बरतानिया ना रल जाए भावें रूस ना रल जाए उन्हीं मर्जी चलनी है असं आपका जो मतदान उन्होंने देता 5 साल वास्ते कट्ठे हुए जो साढ़े भाई अमृतपाल सिंह ते समूह साथी जेड़े डिब्रूगढ़ जेल में असाम दे विच बंद हैं तो उन्होंने नाल कुछ साथी अमृतसर की जेल दे विच बंद हैं तो समूह बाकी बंदी सिंह जिन्हों का मोर्चा चंडीगढ़ विखे ही लग्या होया आओ सब तो पहला अमृत के दाते पुत्रां दे दानी साहबे कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शी हुई फतेह निम्रता सहित प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सारिआं नूं पता कि 18वें दिन विच अज जो भाई साहब ते उहनां दे नाल दे साथियों ने भुख हड़ताल रखी हुई है डिब्रूगढ़ जेल दे विच ते इत्थे 22 तरीक तों उहनां दे माता पिता ते बाकी सिंघां दे माता पिता चाहे होर उन्हां रिश्तेदार भुख हड़ताल रखी हुई है क्योंकि जदों कौमां गुलाम होण उन्हां नूं मुजाहरे करने पैंदे आ सड़कां ते बहना पैंदा जिहड़ी कौम गुलाम होवे जिहदा राज होवे उह धक्के नाल जेलां 'च बंद कर सकदी आ जिहड़ा लगदा होवे कि इह कौम दा जरनैल आ कौम नूं खड़ा करता ने वारस जिहड़ा पंजाब दी जथेबंदी आ इह सारिआं नूं पता भाई दीप सिद्धू जी उन्हां ने बनाई सी पहले मुखी सी उन्हां दे उन्हां दी शहीदी तों बाद भाई अमृतपाल सिंह ते साथी जिहड़े उन्हां दे जथेबंदी नूं चला रहे सी मुखी जिहड़े भाई अमृतपाल सिंह आ हुण उन्हां ने आवाज दित्ती नौजवानों तुसी अपना विरसा बसाणो तुसी अपने वारस बनो पंजाब दे तुसी वारस हो उन्हां दी आवाज सुन के वहीरां घत के नौजवानों दे अगे पिछे खड़ के उन्होंने आवाज दित्ती तुसी पहला आनंदपुर साहिब दे वासी बनो सेवा सिमरन दे नाल जुड़ो बाणी बाणे नाल जुड़ो गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ो गुरु नाल जुड़ो गुरु मान्यो ग्रंथ साडे गुरुआं दा हुक्म आ। नौजवानां ने उन्हां दी आवाज नूं सुन के नशे जिहड़े अपने गुरु साहिब ही कहिंदे आ जित मद पीतिआ मत दूर होए बरल पए विच आए अपना पराया ना पछाणे
ਖਸਮਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਇਹੀ ਕੰਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਡਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ ਅਸੀਂ NSA 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਭਾਅ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲੈਣ ਜਾਵੜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪ ਮੰਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 239 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੋ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਕੋਟ ਵੱਡੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਊਂਗਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 15-15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ NSA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ NSA ਲਾਓ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾੜ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਥਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੋ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰੀ
उन्होंने किसी को बह गए तो उन्होंने पानी पी लिया तो कहते तेरा गुरु केड़ा तेरा गुरु ना पता लगे दस उन्हें मैं तो गुरु धारिया ही नहीं आई सके तो उन्हें फिर कहते बहुत पछताए गुरु साहब अमरदास को आए से सॉरी तो फिर गुरु साहब ने गुरु धार के दूजे पातशाह भालिया गुरु अंगद देव जी फिर गुरु धारिया इस करके सानू भी गुरु ग्रंथ साहब के नाल दसवें पातशाह तो बाद जोड़ के गए हैं सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह इस करके सानू गुरु दे नाल जुड़ना चाहिए वही भाई साहब का उपदेश सी सानू भी वध तो वध साडे बच्चों सब नू गुरु साहब के लड़ लाना चाहिए खंडे बटे का अमृत पीना चाहिए दसवें गुरां दीआं फिर ही खुशियां मिलनगियां इस करके असीं तां बेनती कर सकते हैं सरकारां नू क्योंकि आप राज भाग उन्होंने दिता अपनी मतदान जो मतदान करनी होंगी उदो सू सोचना होंगे हूँ पांच साल असं राज देता भगवंत मान वो भावें दिल्ली ना राज जे भावें बरतानिया ना राज जे भावें रूस ना राज जे उहदी मर्जी चलनी है असं आपका जो मतदान उन्होंने देता पांच साल वास्ते हूँ पांच साल बाद आप वेखना कि आप रोज पढ़ते हैं राज करेगा खालसा खालसा तो वोटा नहीं पाइया मान साहब ने भी ठले से 96 मैं भी खड़े दीप सिद्धू का पिंड मेरा भी उदय करना मैं 65 वोटा पाइया पिंड चो दीप सिद्धू वेलो शहीदी का मुल पाया भाईवान 165 पाइया पिंड चो इस करके सानू उदो मत का दान करना पड़ेगा नागदी का जो वोटा आनी हूँ 24 दियां आ गई किन्ने इन्होंने वादे किए अपने नाल बीबिया भी गाड़िया बेचारिया खुश हो गई 1000 रुपया चलो 60,000 बन जूगा 5 साल का वो ITI बजट ही नहीं रखा फिर कहते नशे खत्म कर देंगे जड़ तो पट देंगे नशे किसी का पुत नशे नाल नहीं मरूगा चिट्टे नाल नहीं मरूगा यह वादा किया 24 घंटे जेडे गुरु साहब दी बेअदबियां होईयां वो बंदे फड़ लैणे सानू पता कैप्टन ने भी यही कहा गुटका साहब की सौं खा के भी असं उपरांगे जिन्होंने कीतियां फड़ लिया अमृतपाल ये भराओ सानू सोचना पेगा विचारना पेगा कला सुन के ना जा उड़िया करो तो जेडे इत्थे नहीं आते उन्होंने बेनती है नौजवानों साडियां बीबिया जिन्हां सहयोग दे रहीआं उन्हां तुसीं भी दिओ जिन्हां ने उन्हां तों अमृत छकिआ गुरु वाले बने आ पक्के सिंघ सजे आ गुरु दे उन्हां दी किरपा नाल उन्हां दी विचारां नाल वो सारे आके इत्थे वध तों वध ड्यूटी दिओ हर एक घर चो हर जथेबंदी कोई भी सिख है जरा कोई होर धर्म का नहीं जरा मनुखी हकों की राखी करता ये मनुखी हकों के डाका जरा वजिया साढ़े गुरु ने कहा ना जुलम सह तो ना करना इस करके भाई जरा जुलम के खिलाफ सू हरेक खड़ना चाहिए इन बेनतियां करते हैं कोई गलती होगी तो माफ करनी सारी संगत तो माफी मांगते हैं इस करके भाई वह तो वह इतने हीरा कत्त के पहुंचो सोनी कमेटी ने भी कल 5 मैंबर की टीम बनाई उन्होंने 13 ताई अस्टमेटम देता सरकार को जे 13 ताई साढ़े सिंह ना छे रिहा ना किते चाहे पंजाब ना लिया जी साड़ी मंग फिर अगला प्रोग्राम जोड़ा वो दिता जाना इस करके वह तो वह इतने हाजरियां भरो काम चलते ही रहने काम नहीं मुकने जे 4G 1G इत्थे बैठो आ गए वध तो वध मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के इन्हां परिवारां नाल भाई साहब नाल माता पिता नाल होर सारे सिद्ध बैठे आ सिंघ संगत दा साडा फर्ज आ क्योंकि कौम लई उह काम कर रहे सी पंथ लई कर रहे सी कौमियत दा काम सी उह कोई आपदा निजी काम तां है नहीं सी उहनां दा कोई इही बेनतियां वी इत्थे वध तो वध हीरां घट के जिहदे कोल टाइम आ वध तो वध ऐतवार आ जाओ जिन्हां नूं छुट्टी आ मुलाजम आ कोई चाहे होर जिवें ही तुसीं सारे संत एक यह भी कहिंदे जिहड़ी जमीर मर जाए ना जिहड़े बंदे दी शरीर मर जाए कोई गल नहीं जमीर नहीं मरनी चाहीदी इस करके जमीरां आपदियां जगा के इत्थे आ के बैठो तां ही गुरु दीआं जिहड़ियां खुशियां मिलनियां ते साडे जिहड़े सिंघ आ सरकार नूं इत्थे लिआउणे बहिणगे।
जी असं बैठे रहे तो हौसला करके काम कर छड़ के इस करके इनिया के बेनती फिर जो कट्ठे हो गए आप निशान साहब के थले सारे इतने ये गुरु का निशान आ गुरु की पंथ आ गुरु का स्टेज आ गुरु नानक साहब का गुरु गोबिंद सिंह का गुरु ग्रंथ साहब जी का यह बेनती भी इतने वीर घट के टाइम चो टाइम कट के ए नहीं घंटा आए तो भज गए सारा दिन लाओ चार घंटे लाओ छी लाओ सारू बेनती है कि जो गलती हो गई तो कोई माफ करनी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।